ये जो हमारी शमुक रखी है श्रीमद् भागवत महापुराण, इनको नमन करें, वंदन करें और कहें हे प्रभु आप हमारे जीवन में उतर करके हमारे जीवन को धन्य करें। श्री राधा रानी की कमल चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अपनी पावन स्थान पर विराजमान है। कलकल यमुना बह रही है, सुंदर पक्षी मधुर वाणी में गुणगान कर रहे हैं। कलकल यमुना बह रही है, श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरे पिता तुल्य उनको मेरा बार बार शादी भाव। मेरे साथ आए हुए वृंदावन से सरस्वती पोते व्यासपीठ से सभी को बार बार साधु भाव। सभी हरि भक्त वैष्णव जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्रार्थना करें ठाकुर से, किशोरी राधा रानी से। हे किशोरी राधा रानी, बड़ी कृपा हो रही है आपकी, ऐसी ही कृपा हम जैसे प्राणी पर बरसती रहे, क्योंकि राधा रानी हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं, हमारे अंदर वो ब्रह नहीं, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी हे किशोरी राधा रानी हम आपके चरणों की धूल बनना चाहते हैं। आप कृपा करें तो सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो है ये खाली प्रेम यज्ञ है, ये प्रेम बांटती है, ठाकुर से प्रेम कराती है। हमारी किशोरी राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करती रहती है। एक राधा रानी के भक्त थे बूढ़े बाबा, तो एक दिन इन्होंने मन में विचार किया, ऐसे करता हूं आज राधा रानी के लीला धाम में जाता। तो बूढ़े बाबा राधा रानी के लीला धाम में गए। जब बूढ़े बाबा गए तो वहां देखा सब नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, तो बाबा को ऐसा करंट लगा, बाबा भी नाचने लगे, खूब नाच रहे। सुबह से नाचना प्रारंभ किया, सांझ हो गई, बंद नहीं हुए। बाबा को एक ऐसा करंट लगा है, क्योंकि ये भक्ति का करंट है, अगर भक्ति का करंट लग जाए तो फिर छूटता नहीं। तो बाबा को ऐसा करंट लगा है, पूरा दिन नाचे बाबा। अब जब सांझ हो गई तो बाबा अपने घर आए मंदिर में, तो बाबा मंदिर में आए, मंदिर में आकर के रात्रि में इनके पैरों में दर्द होने लगा। जब इनके पैरों में दर्द होने लगा, अब इनके कोई बेटा बेटी तो था नहीं जिसको बोल दे छोरा तू थोड़ा पैर दबा दे, तो बाबा बड़े परेशान हैं, अपने ही हाथ से अपने पैरों को दबाने लगे, अपने पैरों को दबा रहे हैं। तभी श्री ठाकुर जी आए
आकर के कहा, बाबा आप कहो तो मैं आपके पैरों को दबा दूं। बाबा ने कहा, रे तू किसका छोरा है? तब ठाकुर जी ने कहा, आपके जो पुजारी है ना, महंत जी है, महंत जी का मैं नाती हूँ, मैं उनका नाती हूँ। अगर आप कहो तो मैं आपके चरणों का अभी दर्द दूर कर देता हूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा बेटा ऐसी बात है तो आओ मेरे पैरों को दबाओ। तो मेरे श्री ठाकुर जी बाबा के पैरों को दबाने लगे। जब श्री ठाकुर जी पैरों को दबाने लगे तो बाबा को नींद आ गई। अब बाबा को इतनी नींद आ गई कि सुबह के 9 बज गए, लेकिन आंख नहीं खोल पा रहे। अब मंदिर के जो महंत जी थे, तो महंत जी आए। महंत जी ने आकर के किवाड़ों को खटखटाया। बाबा ने किवाड़ों को खोला। महंत जी ने कहा, क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी है क्या? सुबह के 9 बज गए हैं, आपकी नींद नहीं खुली है। तब बाबा ने कहा, मैं क्या बताऊं, आपके छोरा ने कमाल कर दिया। बोले, मेरे छोरा ने कमाल कर दिया मतलब? बोले, मैं क्या बताऊं, कल मैं राधा रानी के पास गया था, वहां थोड़ा नृत्य हो रहा था तो मैं भी नाच लिया। अब मैं पूरा दिन नाचा, इसीलिए मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। शाम को तुम्हारे नाती आए, तुम्हारे नाती ने कहा, बाबा अगर आप कहो तो मैं आपके पैरों को दबा दूं। मैंने कहा, नहीं बेटा तू किसका छोरा है? बोले, मैं तुम्हारे महंत जी का नाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है तो बेटा मेरे पैरों को दबा दे। बाबा तुम्हारे नाती ने इतने अच्छे पैर दबाए कि अभी तक मुझे नींद लग रही है। तब महंत जी ने कहा, अरे बाबा वो मेरा छोरा नहीं था, वो तो वह किशोरी राधा रानी का छलिया था। वा ने देखी कि मेरी किशोरी राधा रानी के भक्त के संकट हो रहा है, वालिए तुम्हारे चरणों को दबाने के लिए आ गए। ऐसी हमारी किशोरी राधा रानी है। मैंने बताया ना, जो माताओं का हृदय होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, पुरुष का हृदय होता है वो थोड़ा कठोर होता है। इसलिए राधा रानी को पकड़ लो कस के। अगर राधा रानी को कस के पकड़ लोगे तो राधा रानी श्री ठाकुर जी के चरणों में बिठा देगी। हमारी राधा रानी अपने ही नाम से ही रीझ जाती है। ऐसा भी कोई हो सकता है जो अपने नाम से रीझ जाए? लेकिन श्री राधा रानी अपने नाम से रीझ जाती है। आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। कल कथा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर सुंदर माखन चोरी की लीला की, जो आप सभी भक्तों ने शिवन पान करी थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा ना करवा के शिवराज महाराज की पूजा कराते। इंद्र की पूजा क्यों ठाकुर जी ने रोकी थी? क्योंकि श्री ठाकुर जी इंद्र के अभिमान को तोड़ना चाहते थे, अहंकार को खत्म करना चाहते थे। इसलिए ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा को बंद करके शिवराज महाराज की पूजा कराई है। तो सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की पूजा की, धूमधाम से पूजा करने लगे, जोर जोर से जब जयकारा लगाने लगे तब इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने कहा, ये किस बात का हल्ला हो रहा है? तब नारद जी ने बताया, तुम्हारा हो गया पत्ता साफ, नंद के लाला है तुम्हारी पूजा बंद करा करके अपनी पूजा करवा रहा है। अच्छा, तभी इंद्र ने कहा, जाओ मेघमालाओं को आदेश किया, जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। मेघमाला तुरंत आई, आकर के गर्जने लगी है। सभी ब्रजवासी कहने लगे, लाला अब तुझे हमें बचाना पड़ेगा। तब मेरे गोपाल ने कहा, अरे ब्रजवासियों, तुम गिरिराज महाराज का ध्यान करो। सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज का ध्यान करते हैं और मेरे गोपाल
गिरिराज महाराज को उठाते हैं और अपनी कनिष्ठ उंगली पे धारण कर लेते हैं। यहाँ ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नीचे खड़े हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब कई दिन हो गए बरसते बरसते बादल को, तो इंद्र ने कहा, जाओ जाकर के देख के आओ, अगर ब्रज बह गया हो तो बारिश को बंद करवा दे, बारिश को बंद किया जाए। सैनिक देखने के लिए गए, देखा तो वहां धूल उड़ रही है। सैनिकों ने आकर के कहा, महाराज वहां पर धूल उड़ रही है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये जल कहाँ गया जो इंद्र ने इतनी बारिश की थी। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस जल का पान अगस्त मुनि ने किया था। किस तरह? तो बताते हैं, जब भगवान श्री राम रावण का उद्धार करके अयोध्या में आ गए थे, तब माँ जानकी की थोड़े संतों के चरणों में प्रीति ज्यादा थी ब्राह्मणों के प्रति। तो एक दिन माता जानकी ने राम जी से कहा कि मेरे घर जो भी संत आता है थोड़ा भोजन करता है, थोड़ा भोजन करने के बाद में चला जाता है, कोई मेरे मन की इच्छा तक भोजन नहीं करता है। भगवान श्री राम ने कहा, देखो देवी, किसी दिन ऐसा संत आएगा, आप खिलाती खिलाती परेशान हो जाएंगे लेकिन संत झिकेगा नहीं। अरे प्रभु, कोई ऐसा भी तो संत आए मेरे द्वार पर। तब भगवान श्री राम अगस्त मुनि को याद करते हैं। आज भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को याद किया है, माता जानकी से कहा, आप संत को भोजन कराइए। माता जानकी संत को भोजन कराने लगी है, रसोई घर के द्वार पर आसन बिछा दिया, बाबा बैठ जाइए। माँ जानकी भोजन कराने लगी। भोजन कराते कराते एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, पूरी रात और पूरा दिन अखंड भोजन चल रहा है। जब तीन चार दिन हो गए तो माँ जानकी ने कहा, बाबा थोड़ा जल पीजिए। तो अगस्त मुनि ने कहा, देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल स्वयं मांगूंगा। माँ जानकी विचार करने लगी, आज सात आठवां दिन चल रहा है, अभी कह रहे हैं कि मेरा आधा भोजन नहीं आया, अभी आधा भोजन नहीं हुआ है, जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल मांग लूंगा, ये कैसा संत है। तभी माँ जानकी ने गणेश जी की पत्नियों को बुलाया है। गणेश जी की पत्नी आई, वो भी थक गई, गणेश जी को बुलाया, गणेश जी भी थक गए। 18वां दिन चल रहा है भोजन का, तभी भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम माँ जानकी के पास गए। माँ जानकी के पास जाकर के कहा, देवी महाराज का भोजन ठीक ठाक चल रहा है। माँ जानकी ने कहा, खबरदार जो दोबारा ऐसा संत मेरे द्वार पर लेकर के आए, अरे श्रद्धा की टांग तोड़ करके रख दिए। 10वां दिन चल रहा है भोजन का, मैंने जल की तो कहने लगी कि अभी आधा भोजन नहीं हुआ, आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल स्वयं मांग लूंगी। कैसे संत लाए हो मेरे द्वार पर, ऐसा संत कभी मत लाना। भगवान श्री राम समझ गए। भगवान श्री राम अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि ने सारे से पूछे, बताइए प्रभु चले कि बंद हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा, विश्राम करिए। तभी अगस्त मुनि ने डकार लगाई। डकार लगाने के बाद में कहा, जल लेकर क्या हो। भगवान श्री राम ने कहा, देवी जल पिलाइए संत को। माँ जानकी ने कहा, एक दो बाल्टी पिए तो पिलाएं, इसके लिए पूरा समुद्र कहां से लेकर के आए। माँ जानकी क्रोधित हो गई। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे संत मुनि, अब तो जल नहीं पिला सकता मैं, लेकिन आगे इंद्र जब जल की बारिश करेगा द्वापुर में, तब आप उस जल का पान करिएगा। यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को उठाया, तब अगस्त मुनि को याद किया, आइए संत भगवान जल का पान करिएगा। यहाँ सारे जल का पान अगस्त मुनि ने किया है। किसी ने कहा ब्रजवासियों से कि ब्रजवासियों तक 7 दिन तक भूख प्यास नहीं लगी। तब ब्रजवासियों ने कहा,
हम श्री कृष्ण को निहारते रहे, श्री कृष्ण को देखते रहे, हमको पता भी नहीं चला हमारी भूख प्यास कहाँ चली गई, कहाँ गायब। ब्रजवासी कहने लगे, लाला अब तू ने बैठ जा, सस्ता ले, अब हार गयो होगो, हमने अपनी लाठियों से गिरराज उठा रखा है। तो कन्या बोले, अगर मैं अपनी उंगलियां को हटाऊंगा तो क्या तुम्हारे डंडा या गिरराज को साध पाएंगे। एक ब्रजवासी बोलो, चोरे छोरा एक बात बता, तू ये जान रहोगो कि तेरी ही उंगली पे गिरराज उठ सकता है, हमारे डंडा नहीं उठा सकते। भगवान ने कहा, वो तो है, मेरी ही उंगली पे गिरराज उठा है। तो ब्रजवासियों ने कहा, चोरे छोरा एक बात बता, ये क्या बात हुई, हमने इतने मोटे मोटे डंडा लगा रखे। तो भगवान ने कहा, मैं तो भगवान सब कुछ कर सकता हूँ। एक ब्रजवासी सबर को हटा तो आए और कहने लगो, अब की कहियो का कहने लगो। तो ठाकुर जी बोले, हम तो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा तू भगवान है, कौन सो काम करो तेने भगवान जैसो। भगवान बोले, ऐसो कौन सो काम ना करो हमने भगवान जैसो। इतनी बड़ी विशाल पूतना, छह दिन का बच्चा कोई मार सकता है, हमने वह पूतना का उद्धार किया। तब ब्रजवासी कहने लगे, हाँ बहुत देखे तेरे जैसे मारने वाले, तू वह पूतना को थोड़ी मार के आयो, तू तो वह को अधमरी छोड़ आयो, हमने वहां में जाके दो डंडा लगाए तब वो पूतना मरी। भगवान ने कहा, हाँ ब्रजवासी तुमने ही वह पूतना को मारा है। तब एक ब्रजवासी कहने लगो, यू कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। कहता है ब्रजवासी, अरे भैया तुम ना जाने, बात कछु और है, ये जो गिरिराज महाराज है हमारी लाठी से ही उठे। तब एक बरसाने की छोरी सभी गोपियों में हटाती हुई आई और कहने लगी, बरसाने वाली कहे सही बात कछु और, सबकी होए सलाह तो दऊ में वंडा फोड़। बरसाने वाली कह रही है, भैया तुम ना जाने, बात कछु और है, अगर तुम सबकी सलाह हो ना, अभी मैं यह बंडा को फोड़ दूं। ब्रजवासी बोले, हाँ हाँ गोपी तू भी कह दे, क्या कहना चाहती है। तो गोपी कहती है, कुछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधायो की कृपा सो यन गिर बर लियो उठाय। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधा युग की कृपा सो यानी गिरबर लियो उठाए। गोपी कहती है, तुम ना जाने भैया, कछु तो माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहा, कछु तो यानी जो माखन खाया था चुरा चुरा करके वाको बल बड़ो, और कुछ तुम सब जब जा कन्हैया देख रहे थे आंखों से टकटकी लगा करके, तो कन्हैया ने तुम्हारी आंखों के द्वारा तुम्हारी शक्ति को ले लिया। तब ब्रजवासी कहने लगे, अरे हम यही सोच रहे थे कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई। चोरे नंद के छोरा एक बात बता, पहले तू माखन चुराता था, फिर वस्त्र चुराने लगा, अब तू शक्ति भी चुराने लगा। और श्री राधा युग की कृपा सो मैंने गिरबर लियो उठाए। हमारी किशोरी राधा रानी खड़ी हैं, इनको नजरों से शक्ति देती जा रही है। नाम है कृष्ण ने गिरिराज उठाया, लेकिन कृष्ण के अंदर वो ताकत नहीं जो गिरिराज महाराज को उठा सके। हमारी किशोरी राधा रानी नजरों से शक्ति देती जाती हैं ठाकुर को, केवल राधा रानी ही इस गिरिराज को उठा सकती हैं। कृष्ण के अंदर वो ताकत नहीं जो इस गिरिराज को उठा सके, इसलिए हमारी किशोरी राधा रानी ने इस गिरिराज को उठाया है। तब मैया यशोदा कहती हैं, लाला अब तू ने बैठ जा, सस्ता ले, हार गयो होगो। तब एक गोपी कहती है, मैया यानी इतनी बड़ी चीज उठा ली, वाकई निया ये गिरिराज उठाना कौन सी नई बात है। मैया बोली, अच्छा छोरा तेने कौन सी चीज उठा ली। तो बोली गोपी, यानी राधा रानी के नखरे उठा लिए, वाके लिए गिरिराज उठाना कौन सी नई बात है। राधा रानी ठाकुर से बड़ी रूठती है, अगर राधा रानी रूठने में मान है तो ठाकुर जी मनाने में मान है।
अब देखो रूठा भी उसी से जाता है जिस पर पूरा भरोसा हो। अगर हम रूठ जाएं तो ये मनाने, अगर आप रूठ करके बैठ जाएं वो मनाने ना आए तो कोई फायदा नहीं है उससे। इसलिए ब्रजवासी ठाकुर से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ जब इंद्र को ये सब पता चला कि मेरे ये तो भगवान है, तभी इंद्र आया। इंद्र आकर के मेरे प्रभु के चरणों में लेट गया, तब मेरे प्रभु ने इसे माफ किया है, क्षमा किया है और भगवान वहां से चले गए। यहाँ भगवान ब्राह्मणियों के घर जाकर के उन पर कृपा करते हैं। ठाकुर से सभी ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं। दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, ये बूढ़ी अम्मा ब्रज में बैठी बैठी गा रही है। लेकिन बात क्या है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, लेकिन बूढ़ी अम्मा कहती है दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। तो किसी ने कहा रे कि क्या गा रही अम्मा तू, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। सब अपनी डोरी भगवान को देते हैं लेकिन तू भगवान की डोरी अपने हाथ में ले रही है। तब बूढ़ी अम्मा कहती है भैया डोरी उसके हाथ में रहे या हमारे हाथ में रहे, क्योंकि उस डोरी का छोर कोई ना कोई पकड़ेगा अवश्य। हमको तो केवल संबंध जोड़ना है, एक बार बस संबंध जुड़ जाए, ठाकुर से प्रीति हो जाए। प्रेमियों की यही दिशा होती है। प्रेम एहसासों की एक पावन सी कहानी है। कभी कबीर दीवाना था तो कभी मीरा दीवानी है। प्रेम ही ब्रज का सार है। आप किसी से पूछिए आपका परिचय क्या है तो अपना परिचय क्या बताते हैं, हम बहुत बड़े विज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े वर्मा हैं, हम बहुत बड़े शर्मा हैं, हम बहुत बड़े गुप्ता हैं। लेकिन ये आपकी असली पहचान नहीं है। असली पहचान क्या है, ना मैं कोई संत हूँ ना ही मैं कोई पुजारी, बस मेरे दिल में बसे हैं श्री कृष्ण मुरारी। यही आपकी असली पहचान है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे नाम के आगे क्या लगता है, मेरे नाम के पीछे क्या लगता है, मेरे नाम के अगारे 1008 लगता है या 108 लगता है। केवल इतना पता है हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं आपका चाकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, यही मेरी असली पहचान है। हर छीन ले हंस के, छीन ले हंस के करीब तो मेरा कन्हैया ऐसा है कि भक्त के मन को हंसते हंसते छीन लेता है, क्योंकि उसका मुखड़ा इतना सुंदर है भक्त भी मोहित हो जाता है। हर छीन ले हंस के, छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, दुखी विरो राधा रमण, ये सबका ये मन सखी विरो राधा रमण, अरे राधा रमण विरो राधा रमण, राधा रमण विरो राधा रमण, राधा छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण।
मुखड़े को देख को भी चंदा लगाए, मुखड़े को देख को भी चंदा न जाए, मुखड़े को देख को भी चंदा लगाए, मुखड़े को देख को भी चंदा न जाए। अरे घुंघरारी लटे ये घटाए बारी जाए, घुंघरारी लटे घटाए बने खाए, जाके जादू जाके जादू हरे दो नहीं बेटी मेरी शीर ने हंस के सबका ये मन सखीरी तेरो राधा रमन सबका ये मन सखीरी मेरो राधा रमन।
सगिरी मेरो राधा रमन सगिरी मेरो राधा रमन क्या बोलना पड़ेगा बोलिए मैं विद्वान तो भगवान सबको साथ लेते लेकर के आते हैं राधा रानी साथ आई यमुना जी साथ आई और जो भक्तों की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है गोलोक में प्रवेश करना तो ठाकुर जी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं किशोरी राधा रानी आप ही हमारे साथ चलिएगा अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगी तो हमारी कोई भी लीला पूरी नहीं हो सकती राधा रानी ने कहा मैं नहीं जा सकती क्योंकि जहाँ यमुना नदी नहीं यहाँ श्री गिरिराज नहीं यहाँ श्री धाम वृंदावन नहीं वहाँ मेरे मन को सुख नहीं तब श्री ठाकुर जी कहते हैं हे राधा रानी अगर आपको लेकर के जाना है तो वृंदावन को भी लेकर के आना पड़ेगा श्री गिरिराज महाराज को लेकर के आना पड़ेगा और यमुना जी को लेकर के आना पड़ेगा इसलिए ठाकुर जी पूरा ब्रज उतार कर के लाए राधा रानी श्री ठाकुर जी का हृदय है जिनके एक क्षण के वियोग से श्री ठाकुर जी विचलित हो उठते हैं वृंदावन में हुक्म चले श्री बरसाने वाली का कान्हा भी है दीवाना ब्रसभान दुलारी का लगेगा पार बेड़ा जो कहेगा राधे राधे क्योंकि श्री वृंदावन धाम में चारों तरफ डंका बजता है ब्रज की महारानी का ब्रज की ठाकुरानी श्री राधा रानी का ऐसी श्री राधा रानी है रस स्वरूपम अदत्य इति राधिका जो रस का स्वरूप है वही श्री राधा रानी है मन के छुअत सो डरत है ठाकुर जी राधा रानी को मन से भी छूने से डरते हैं मन के छुअत सो डरत है एक बार श्री ठाकुर जी राधा रानी से कहने लगे आइए राधा रानी आज हम आपके केस संभालते हैं तो राधा रानी ने कहा देखिए केस संभालना हमारे आसान काम नहीं है बहुत कठिन काम है ऐसे कैसे आप हमारे केसों को संभाल दोगे तब ठाकुर जी ने कहा आप भी जानती नहीं हमारा नाम केशव है ठाकुर जी का केशव नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ठाकुर जी राधा रानी के केस संभालते हैं तो राधा रानी ने कहा अच्छा ठीक है आप इतनी फेंक रहे हैं तो ठीक है करिए सेवा तो ठाकुर जी राधा रानी के बैंडी गुथने लगे जब ठाकुर जी राधा रानी की बैंडी गुथने लगे आगे दर्पण रखा था पीछे ठाकुर जी बैठे थे केसों में पुष्प लगा रहे थे हाथ में कंगी थी अचानक से जैसे ही राधा रानी को देखा जैसे ही देखा ऐसी अजीबता आ गई हाथों से कंगी छूट गई हाथों से पुष्प गिर पड़े खड़े के खड़े रह गए ना हिल पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे बस देखते जा रहे राधा रानी को निहारते जा रहे थर थर कांपने लगे ठाकुर जी आंखों से आंसू बह रहे राधा रानी ने कहा क्या हुआ अभी तो आप बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि हमसे अच्छी कोई विद्या नहीं जानता है हमसे अच्छी कोई कला नहीं जानता है कहाँ गई आपकी विद्या कहाँ गई आपकी कला कैसे भूल गए सब कुछ तो श्री ठाकुर जी कहते हैं राधा रानी क्या बताएं हम आपको कला तो हमको बड़ी भली भांति आती है लेकिन आप हमारे सामने बैठी हो सामने दर्पण रखा है आपको एक बार दर्पण में देखा ये शरीर जड़ बन जाता है ये शरीर थर थर कांपने लग जाता है ना हाथ हिला पाता हूँ ना चल पाता हूँ ना ये पलके गिरती थोड़ा विचार करिए एक बार दर्पण में देखने से श्री ठाकुर जी कांपने लग जाते रोने लग जाते हैं कितनी सुंदर होंगी राधा रानी हम उनकी प्रेम की परिभाषा का क्या गुणगान कर सकते हैं और गुणगान करना भी नहीं चाहिए एक बड़ा सुंदर भाव है बड़ा सुंदर भाव है एक ब्रज में बहुत बड़े संत हुए हैं पहले सब शांत बैठे क्योंकि रस भरी चर्चा को प्रेम से सुना जाए जैसे कि अगर आप
खीर भोजन पान कर रहे हैं, खीर खा रहे हैं, अगर उसी खीर में थोड़ा सा एक नींबू का टपका गिर जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसलिए रस भरी चर्चा को भाव से सेवन करना चाहिए। तो ब्रज में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम है राधा माधव। ये गर्ग संगीता की कथा है। जिनका नाम है राधा माधव, तो एक बार बाबा ने मंजरी भाव में बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी। बाबा ने अपने जीवन का पूरा अनुभव लिख दिया है। तो बाबा क्या लिखते हैं, एक बार सारी सखियां राधा रानी से पूछती हैं, हे किशोरी राधा रानी, एक बार हमें आप बताओ तो सही, श्री ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, वो कैसे लगते हैं, हम तो अच्छे से देख नहीं पाती हैं, डर के मारे छुप छुप देखती हैं, लेकिन अच्छे से ठाकुर का दर्शन नहीं होता है, आप उनके साथ रहती हैं, तो एक बार बताओ तो सही, श्री ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, हमारा प्रियतम कैसा लगता है। जैसे ही राधा रानी ने सुना गोपियों के मुख से, किशोरी राधा रानी तुरंत रोने लगी, तुरंत आंखों में आंसू भराया, सभी गोपियां घबरा गईं, दोनों आंखों से आंसू झरने लगा रही, राधा रानी क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई अपराध बन गया, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। तब राधा रानी कहती हैं, अरे गोपियों, तुमसे कोई गलती नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ, मैं तो कोती हूँ, तुमने श्री कृष्ण को देखा होगा, लेकिन आज तक मैं श्री कृष्ण का एक अंग देख नहीं पाई, एक अंग श्री कृष्ण का निहार नहीं पाई, मैं पतिहारी बहुरी तेरो, एको अंग न नीको धेरो, आज तक मैं श्री ठाकुर जी का एक अंग देख नहीं पाई। गोपियों ने कहा, री राधा रानी क्यों नहीं देख पाई, हर समय उनके साथ रहती हो, जब देखो उन्हीं के साथ बैठी रहती हूँ, उन्हीं से वार्तालाप करती हूँ, उन्हीं के साथ चर्चा करती रहती हूँ, ये तो एकदम सफेद झूठ है, क्यों नहीं देख पाई, क्या कारण है। तब श्री राधा रानी कहती हैं, अरे गोपियों मैं क्या बताऊं, छन ही में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप के भी मैं जाना, अरे गोपियों मैं क्या बताऊं, मैं ठाकुर को देखती तो हूँ, लेकिन छन ही में भर आवत पानी, जैसे ही मैं देखने का प्रयास करती हूँ, मेरी आंखों में पानी भर आता है, मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, तो मैं अच्छे से देख नहीं पाती हूँ। गोपी कहती है, हे किशोरी राधा रानी, हे श्री जी, एक बार ठाकुर को अच्छे से देख लो, अच्छे से निहार लो। तब राधा रानी कहती है, अरे गोपी मैंने ये भी करके देख लिया, छन छन में शोभा बलदानी, एक बार देखूं, एक बार अपने हृदय में भरूं, दोबारा देखूं तो पूरी वेशभूषा बदल जाती है, छन छन में शोभा बलदानी, एक बार अपने हृदय में बैठाती हूं ठाकुर की झांकी को, आंखों में भरती हूं, लेकिन जब दोबारा देखने का प्रयास करती हूँ, छन छन में शोभा बलदानी, पूरी वेशभूषा बदल जाती है। गोपी कहती है, हे राधा रानी, एक बार कृष्ण को आंखों में भर लो। तब किशोरी राधा रानी कहती हैं, अरे गोपी मैं तुझे क्या बताऊं, नैन दो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती है बाधा, अरे गोपी मेरे दो नैन हैं, इन दो नैनों में अभी ये पल के बाधा डालती है, मैं कैसे निभा, उसकी छवि अगाध है, नैन तो छवि अमित अगाधा, तापर पलक की करती है बाधा, उसकी छवि अगाध है, अच्छे से देख नहीं पाती हूँ, उस पर भी इस मूर्ख विदाता ने मुझे दो पलके और दे दी। यहाँ गोपियों ने ब्रह्मा को मूर्ख कहा, ये किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, केवल गोपियों के। नंद दास जी कह रहे हैं,
नंददास सब जनन की यह गति कहा कियो ये पूत कमल को। कमल को पूत कौन है? ब्रह्मा जी। क्या किया ये पूत कमल का? इसने क्या कर दिया है? हमारे साथ में अन्याय किया है। हमारे हाथ बड़े कर दिए, हमारे पैर बड़े कर दिए, दो आंखें दी हैं बड़ी छोटी छोटी। प्रभु का इतना बड़ा सुंदर है, कैसे दर्शन करूं? प्रभु का इतना बड़ा सुंदर स्वरूप है, मैं कैसे निहारूंगी? इसलिए लाडली जी कहती हैं, अगली बार हमारी सरकार बनेगी, अगली बार हमारी सरकार बनेगी, इस सृष्टि का संविधान मैं लिखूंगी। ये विधाता नहीं, इसने बेवकूफी की है। हमारे हाथ बड़े कर दिए, पैर बड़े कर दिए, दो आंखें दी हैं छोटी छोटी, इसलिए अगली बार मेरी सरकार बनेगी। जो ब्रज दीनों जन्म हमारो, देखन को मोहन प्यारो, तो कट दिए नैन सट दोही, सम विधुर निष्ठुर और ना कोई। गोपी ने पूछा, रही किशोरी राधा रानी, जब तुम्हारी सरकार आ जाएगी, जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी तो आप क्या नया बदलोगे? तब श्री राधा रानी कहती हैं, मैं जब मेरी सरकार आ जाएगी तब मैं अलग पद्धति चलाऊंगी। अच्छा, रोम रोम प्रति नैन बनाऊ। जब मेरी सरकार आएगी तो मैं एक एक रोम में एक नैन बनाऊंगी। रोम रोम प्रति नैन बनावे, एक टक रहे पलक नहीं लागे, तब कछु कियो होए सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ मेरो। अरे गोपी, तब मेरे एक, जब मेरी सरकार बनेगी, एक एक शरीर के अंग में एक एक रोम बनाऊंगी, फिर बैठी बैठी ठाकुर को निहारूंगी, और फिर तुझे बताऊंगी मेरे प्रियतम कैसे दिखते हैं, मेरा ठाकुर कैसा दिखता है। हम ना राधा रानी के प्रेम को समझ पाते हैं, ना श्री ठाकुर जी के प्रेम को समझ पाते हैं, और समझने की कोशिश भी ना कर। बहुत से लोग कहते हैं, अरे कैसा भगवान है जिसने गोपियों के साथ में क्या क्या लीला की है। ये सब झूठ बात है। भगवान जब तक ब्रज में रहे, केवल 7 वर्ष की उम्र थी, गोपियों के साथ रहे थे। 7 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है? जब भगवान मथुरा गए थे तब भगवान की 11 वर्ष की उम्र थी। इसलिए समझने की कोशिश भी ना करें। राधा रानी ठाकुर से बहुत रूठती हैं। ठाकुर जी बार बार राधा रानी को मना लेते हैं। राधा रानी एक क्षण में मान भंग हो जाती है। उनसे रोज नैन मिलाने का दिल चाहता है, उनसे रोज नैन मिलाने का दिल चाहता है, कुछ सुनने सुनाने का दिल चाहता है, किसी के था मनाने का अंदाज ही इतना निराला कि उनसे हर बार रूठ जाने का दिल चाहता है। बार बार रूठ जाने का ठाकुर से दिल चाहता है। केवल इतनी प्रार्थना करें, हे किशोरी राधा रानी, हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आने वाला, आना चाहिए। केवल आपकी नौकरी हमारे लिए बनी रहे, इससे बढ़कर के और हमारे लिए क्या हो सकता है। सबसे अच्छी है सबसे खरी हो तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी मेरी राधे तेरे नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी।
नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। उस नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। सबसे अच्छी है सबसे करी
गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। सबसे अच्छी है सबसे करे ओ मेरी राधे तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे करे तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे अच्छी है सबसे करे, सबसे अच्छी है सबसे करे, सबसे अच्छी है सबसे करे। क्या बोलना पड़ेगा बोलिए। मुरली का निनाद किया है, मुरली से कहा री मुरली आज तो मेरा एक काम कर दो। मुरली ने कहा बताइए प्रभु क्या क्या है, तो कहा मुरली जितने भी ब्रज की गोपी हैं सबके मन को चुरा करके लेके आ। मुरली ने कहा रे प्रभु कभी आप माखन चुराते हो कभी वस्त्र चुराते हो, आज मन भी चुराने लगे। बोले हाँ गोपी, मुरली जा जितनी भी गोपी हैं सबके मन को चुरा कर के ले। देखिए जितने भी मिलते हैं साज सब मारने वाले मिलते हैं, जैसे कि हमारे जो ढोलक पर भाई बैठे हैं तो ये भी बस मारते रहते हैं ढोलक को। इधर जो मेरे भैया हैं पेड़ पर ये भी बस डंडियों से पीटने में लगे रहते हैं, जितने भी हैं सब मारने से बचते हैं, लेकिन एक मुरली एक ऐसी है जो पीटने से नहीं सांसों के द्वारा बचती है। आज जैसे ही मेरे प्रभु ने मुरली के अंदर अपनी सांसों को दिया, मुरली से इतनी मीठी सुंदर आवाज निकली, सब गोपियों के मन में मयूर नाचने लगा है। ऐसा लग रहा है इस मुरली के अंदर हमारा नाम बोल रहा है। एक गोपी गाय धू रही थी, जैसे ही मुरली को सुना गाय को पात्र को वहीं छोड़कर के दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, जैसे ही गोपी ने मुरली को सुना अपने बच्चे को बिठा करके दौड़ पड़ी। लाखों गोपियां मुरली की आवाज को सुनकर के दौड़ पड़ती। एक गोपी अपने पति को जल देने के लिए जा रही थी, जैसे ही बीच में मुरली को सुना उस जल के पात्र को वहीं छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। एक गोपी सिंगार कर रही थी, सिंगार करते करते साड़ी पहन रखा है लहंगा पहना भूल गई। एक गोपी जब सिंगार कर रही थी आँख में लगाने वाली चीज होस्ट पर लगा ली और होस्ट पर लगाने वाली चीज आँख में लगा ली। मुरली में अपना नाम सुना दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को पास बैठी थी, जैसे ही मुरली को सुना जैसे ही जाने लगी गोपी, तभी उसके पति ने कहा रे कहाँ जा रही है। गोपी ने कहा श्री कृष्ण मेरे इस मुरली में नाम पुकारा, मैं उसके पास जा रही हूँ। उसके पति ने कहा तुझे शर्म नहीं आती किसी पराए मर्द के पास जाती है। उस गोपी को पकड़ करके कक्ष में बंद कर दिया। उस गोपी के दोनों आंखों में आंसू भर गए। हे स्वामी आपको मेरे केवल इस शरीर से प्रेम। वो गोपी तुरंत
अपने शरीर को त्याग करके श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, अपने प्रियतम के पास पहुंच गए। लाखों गोपी दौड़ी जा रही है। मेरे गोविंद ने जैसे गोपी को गोपियों को देखा, ये गोपी क्यों आ रही है यहाँ पर? मेरे गोविंद गोपियों को देख करके गोपियों का स्वागत करते, आइए गोपी मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागतम गो मा भागा प्रियं किं करवानि वः ब्रजस्य नामयं कचित् भूतागमन कारणम्। अरे गोपियों आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ। गोपियों के मन में मयूर नाचने लगा। मुरली में श्री कृष्ण ने हमारा नाम पुकारा, हम चली आई तो प्रियतम हमारा स्वागत करते। लेकिन मेरे गोविंद ने कहा, गोपियों आप आई हैं तो स्वागत की बात है, लेकिन आप आई क्यों हैं? तुम्हारे आने का कारण क्या है? क्यों आई हो इतनी रात्रि में? देवियों ये रात्रि बड़ी घोर रूपा है, अपने पतियों के पास जाओ। एक नारी अपने घर से बाहर निकले ये शोभा नहीं देता, चली जाओ अपने घर। लाखों गोपियां नीचे नजर डाल करके जमीन को अपने पैर के अंगूठे को खोद रही है, अंगूठे से जमीन को खोद रही है। अगर आप किसी को निमंत्रण दो वो आपके घर आ जाए, आप उससे पूछो क्यों आए हो, तो आपकी हालत क्या होगी? तो गोपियां दोनों आंखों में आंसू भर करके अपने प्रियतम को याद करते हैं। प्रियतम ये क्या हुआ? आपने मुरली में हमारा नाम पुकारा, अब आप पूछ रहे हो क्यों आई हो, क्यों चली आई हो? मेरे गोविंद ने कहा, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। एक नारी का परम कर्तव्य होता है अपने पति की सेवा करना। लेकिन आप गोपी हो, जरा सी मुरली में अपना नाम सुना और बस दौड़ पड़ी। अरे तुम्हारे पति प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारा धर्म कह रहा है जाओ अपने घर, चली जाओ यहाँ से। आप सोच रहे होंगे कि प्रभु इसलिए आए हैं मुरली में तुम्हारा, तुमने हमारा नाम लिया था, चली जाओ यहाँ से। क्या पता इस जंगल में शेर आकर के तुम्हें रात को भोजन बना करके खा जाए। जाओ तुम्हारे पति प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक नारी का परम कर्तव्य होता है उसके अपने पति की सेवा करने का। गोपियों को ठाकुर जी एक कथा सुनाते हैं। गोपियों सुनो, एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? तो ठाकुर जी कहते हैं, एक पत्नी आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी। अचानक से उसके पति आए लकड़ियों का गड्ढारा लेकर के, गड्डी लेकर के, लकड़ियों के गड्डी को एक साइड में रख दिया। फिर उसकी पत्नी जल देने के लिए हुई, उसके पति ने जल का पान किया। जल का पान करते करते अचानक उसकी गोद में सो गया, अपनी पत्नी की गोद में उसका पति सो गया। जभी देखा सामने नजर डाल करके उसका एक छोटा सा बच्चा, ना समझ बच्चा, अग्नि में कूदने वाला था। अब बेचारी क्या करे? अगर अपने पति को जगाती है तो एक नारी का कर्तव्य पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। अगर अपने पति को नहीं जगाती है तो उसका बच्चा जल जाता है, क्या करना चाहिए उसे? दोनों आंखों को बंद कर लिया। हे प्रभु मेरे बच्चों की, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे के प्राणों की सुरक्षा करिएगा। तभी देखा उसके पति की आंखें खुल गई, वो दौड़ी दौड़ी गई अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे के पास जाकर के अपने बच्चे को बचाया। ये होता है एक नारी का परम कर्तव्य है। लेकिन आप गोपियों जरा सी मुरली को सुना, अपने पतियों को छोड़कर के चली आई, चली जाओ यहाँ से। गोपियां कहने लगी, सुना ली कथा, ऐसी कथा हम 10-12 जानती। अच्छा 10-12 जानती हो तो एक आध सुनाओ। तो गोपियां कहती हैं, एक पत्नी अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, दिन भर उसकी सेवा करने में लगी रहती है।
कभी निलाती है, कभी भोजन कराती है। गरीब थे, एक दिन उसके पति ने कहा, देवी आज मैं थोड़ा कमाने के लिए चला जाता हूँ, आप यहीं पर रहना। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकती, मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता। तब उसके पति ने कहा, देखो देवी मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन आपको मैं अपनी एक फोटो दे देता हूँ, उस फोटो की आप सेवा करना। ठीक है स्वामी। तो उसका पति एक फोटो देकर के चले गए धन के लिए। जब धन के लिए चले गया उसका पति, तो वो पत्नी उस फोटो की सेवा करती है, निलाती है, भोजन कराती है, सुलाती, बड़े कई कई प्रकार से उसकी सेवा करती है। जब कई वर्ष हो गए तो उसके पति लौट कर के आए, दोनों के बार बंद है। जब दोनों के बार बंद थी तो अपने पति की सेवा कर रही थी पत्नी, जब अपने पति की सेवा कर रही थी तो सच्चे पति आकर के किवारों को खटखटाने लगे। जब सच्चे पति किवारों को खटखटाने लगे तो प्रभु अब का क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, पूछने का क्या तात्पर्य है, पत्नी को किवार खोल करके अपने सच्चे पति की सेवा कर लेनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा, प्रभु आज तक तो हम मिट्टियों के पतियों की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज आपका दर्शन हो गया, सच्चे पति तो आप हैं, वो तो मरेंगे और मर करके चले जाएंगे, लेकिन आप तो हमारे जन्म जन्मांतरों के लिए साथ रहेंगे, इसलिए आप हमारे प्रियतम। प्रभु हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते। भगवान ने देखा इन गोपियों की भावना बड़ी सुंदर है, तो मेरे गोविंद उनके साथ में रास करते। दो दो गोपी बीच बीच माधव जब रास करने लगे, तभी गोपियों के मन में अभिमान हो जाता है, राधा रानी को मान हो जाता है, गोपियों को मान हुआ, हम ज्यादा सुंदरी हैं, कृष्ण हमारे साथ हमारे सुंदरता पर मोहित होकर के रास कर रहे हैं। राधा रानी को मान हुआ, कृष्ण ने मुझ में और इन गोपियों में कोई भाव नहीं समझा, जैसे इनके साथ रास कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ रास कर रहे हैं। तो मेरे गोविंद उनके मद को हटाने के लिए, गोपियों के मद को हटाने के लिए चल देते हैं, अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो जाते हैं मेरे ठाकुर। जैसे ही मेरे ठाकुर अंतर्धान हुए, अब तो गोपियां रोने लगी, हे श्री कृष्ण प्रियतम आप कहाँ हो? मेरे ठाकुर जी राधा रानी को लेकर के चले गए। राधा रानी ने कहा, हे प्रियतम आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो राधा रानी, बताइए क्या बात है? बोले अब मैं चल नहीं सकती। ठाकुर जी ने कहा, आप चल नहीं सकती तो कांधे पर तो बैठ सकती है। राधा रानी जैसे ही ठाकुर जी के कांधे पर बैठने लगी, तभी ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब लाखों गोपियां श्री कृष्ण के विरह में रो रही हैं, प्रियतम कहाँ हो, याद करती हैं, हे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण कहाँ। रोती रोती गोपियां एक एक वट वृक्ष से पूछती हैं और किस तरह कहती हैं और आंखों में आंसू भर के अपने प्रियतम को याद कर रही हैं। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। वो फिर रोती है और गाती भी है, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है,
जागे सुबह और शाम आती है ये हमको बहुत रुलाती है। सुबह और शाम आती है हमें वो बहुत रुलाती है। सुबह और शाम आती है ये हमको बहुत रुलाती है। सुबह और शाम आती है हमें वो बड़ा रुलाती है। चैन हमें को नहीं आता, चैन हमें को नहीं आता। बता दो क्या करे चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। चलूं जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। चलूं जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। चलूं जब ये चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बता दूं क्या करे नहीं चाहते हैं। गोपियां तुलसी से पूछती हैं, अरे तुलसी क्या आपने हमारे प्रियतम को देखा है? क्या आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? जब तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो गोपियां कहने लगी, ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत लगती है।
यही बता सकती। गोपियां बट वृक्ष से पूछती है, क्या आपने हमारे प्रियतम को देखा है? क्या आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? दुनिया आपको भगवान मानती है, दुनिया आपकी पूजा करती है, क्या हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण को देखा है? जब बट वृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया तो गोपी आगे बढ़ी है, तुलसी पीपल के पास गई। दुनिया तुम्हें दुग्ध चढ़ाती है, भगवान मानती है, क्या आपने हमारे प्रियतम को देखा है? इधर देखा राधा रानी के आंखों में आंसू है। किशोरी राधा रानी जानती थी अगर मैं गोपियों से दूर चली गई तो शायद इन्हें प्रियतम का दर्शन नहीं होगा। गोपियों ने कहा, क्या तुमको भी श्री कृष्ण छोड़कर के चले गए? कहा, अरे गोपियों, जैसे तुम्हें श्री कृष्ण छोड़कर के चले गए, ठीक वैसे ही हमें श्री कृष्ण छोड़कर के चले गए। लाखों गोपियों की आंखों में आंसू। हे प्रियतम, हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते, हम मर जाते। एक गोपी कहती, अरे चिंता मत करो, मैं श्री कृष्ण हूँ, आओ मैं अभी बंसी का निनाद करती हूँ, अभी रास चालू हो जाता है। बहुत देर गोपियां लीला करती हैं, गोपियों को श्री कृष्ण देखने लगा है। लाली मेरे लाल की जित देखी तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। श्री कृष्ण चारों तरफ देख रहा है लेकिन गोपियों की आंखों में आंसू भरे हैं। गोपी ढूंढती हुई श्री कृष्ण को याद करती हुई यमुना पर पहुंच जाती है। यमुना पर पहुंच करके गोपी गीत का कृष्ण मिलन की याद में गोपी गीत गाती है। भागवत में पांच गीत जिनको पंचाव्रत कहा गया है, मैडू गीत, युगल गीत, रमण गीत, गोपी गीत। गोपियों ने प्रियतम को याद भी किया है, याद कर कर करके गोपी गीत गाया है। यहाँ गोपियों ने जब गोपी गीत गाया तो आंखों से पनारे बह रहे हैं। आदमी एक ही काम कर सकता है, या तो गा सकता है या रो सकता है, लेकिन गोपियों ने गाया भी है और प्रियतम को याद भी किया है। गोपी गीत प्रतिदिन सुबह गान करने से एक दिन प्रियतम का दर्शन अवश्य होता है। आइए एक दो कड़ी का आनंद लेते हैं। जयत तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रियाति इंदिरा दयित दिशिताम दिसुताविका इस्त्वयि धृता सब तुवां विचिन्वते। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे सरदुदासये साधु जात सा सर्स जो
अशुल्क दासिका बराद नेह तो नेह किं बधा कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे तबो कथामृतम् तात्पिजीवनम् कवि विरीडितम् कल्मषापहम् शिवानि मंगलम् लाखों गोपियों के आंखों में आंसू। हे प्रियतम, अगर तुम्हें ज्यादा रुलाने का शौक था तो सदाबा अग्नि का पान आपने क्यों किया था? हमें रुलाने का ज्यादा शौक था तो उस विषैले जल से हमें क्यों बचा लिया प्रियतम? क्यों हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे? सरदू दास से सुरत नाथ थे, जयत तेद कम जन्म न ब्रजा। हे प्रभु, आपने इस ब्रज में जन्म लेकर के इस ब्रज को जीत लिया है। यहाँ की गलियों को लक्ष्मी अपने आंचल से साफ करती है, बुहार लगाती है, यहाँ की गलियों को साफ करती है। सरदू दास से सुरत नाथ थे, किसी का परिचय पूछे तो क्या बताते हैं? ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये बहुत बड़े विज्ञानी हैं, बहुत बड़े शर्मा हैं। लेकिन आज गोपियों का, गोपी ठाकुर का परिचय क्या बताती है? ये कौन है? ये प्रेम के स्वामी हैं, ये प्रेम बांटते हैं। प्रियतम, और फिर गोपी कहती है, अशुल्क दासी का, हे गोविंद, हम तो आपके बेदाम की गुलाम हैं, बेदाम की गुलामी बन गई है। बंसी ने गोपी से पूछा, गोपी, तुझे गुलाम बनाया किसने? तो गोपी कहती है, उसकी आंखों ने मुझे गुलाम बनाया है। नेह किंग बदा, क्योंकि तलवार से मारना मारना नहीं होता है, उसकी आंखों ने हमें मारा। उसकी आंखों ने हमें मारा है। हम कहीं की नहीं रही, हम ना जी पाती हैं और ना हम मर पाते हैं। अशुल्क दासी का, हे गोविंद, केवल आपका ध्यान करती है, आपके ध्यान में हम अपनी आंखों से आंसू बहाती हैं। गोपी को बंसी पूछती है, बंसी पूछती है, गोपी, तुझे गुलाम बनाया किसने? चल ठीक है, तुझे उसकी आंखों ने गुलाम बना दिया है। अगर तुझे इतना ब्रह है, श्री कृष्ण की याद में इतनी तड़प रही है, तो ब्रह में तो दुनिया अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन देख तो सही, तू अभी भी जिंदा है, अभी भी तू मरी नहीं। तब गोपी कहती है, अरे बंसी, हम मरने वाली थी, लेकिन महात्मा लोगों ने आकर के उसकी कथा को सुना दिया, इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं, अभी तक मरी नहीं।
जब देखा मेरे गोपाल ने, अब गोपियों की आंखों के आंसू ज्यादा बह चुके हैं। भगवान सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरे प्रभु तुरंत प्रकट हुए, प्रकट होकर के रास करने लगते। किसी ने पूछा, भगवान गए यहाँ कहाँ थे? तो कहा, भगवान कहीं जा ही नहीं सकते हैं। एक गोपी की चूदर को लेकर के बैठ गए थे। गोपियों ने सब जगह देखा, लेकिन अपने पास में नहीं देखा। रास चालू होता है तभी कामदेव आ जाता है। कामदेव को भोले बाबा ने जलाकर के भस्म कर दिया है। इधर भोले बाबा को ज्ञात हुआ कि ये पार्वती सज धज करके कहां जा रही है। पूछा, कहां जा रही हो देवी सज धज करके? बोले, वृंदावन जा रही हूँ महारास में, मैं भी चलूंगा। प्रभु आप नहीं जा सकते क्योंकि पुरुष के लिए आज्ञा नहीं। अगर पुरुष नहीं जा सकता, स्त्री तो जा सकती है। बोले मतलब? बोले मतबल यह है, मुझे स्त्री का श्रृंगार करवाइए। आज माता पार्वती भोले बाबा को स्त्री का श्रृंगार करवाते हैं। दुनिया की ना परवाह करते हुए भोले बाबा स्त्री की श्रृंगार करते हैं, स्त्री का रूप धारण करते हैं। जिसे दुनिया की परवाह है, वह मेरे गोविंद के पंथ को नहीं पढ़ पाते हैं। कि प्रेम पंथ को प्रतो ही नारो के जाने वृषभान दुलारी, के जाने ये कनुआकार। आज भोले बाबा दुनिया की ना परवाह करते हुए स्त्री का श्रृंगार करते हैं। अरे एक दिना भोले भंडारे बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, नामा नेत्र पुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारे बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी बना के हारे, पार्वती जी बना के हारे, नाम नेत्र पुरार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चलूंगा तेरे संग में, चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, चलूंगा संग में। राधा संग श्याम नाचे, नचूंगा तेरे संग में, नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, नचूंगा संग में। रास रचेगा ब्रज में भारे, रास रचेगा ब्रज में भारे, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं।
बन आ गए हैं। नामोने भंडारे वनग्रभज की लाई वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
जिन्हें दुनिया की परवाह है, दुनिया का काम है, इसने बहुत कुछ कर लिया। दुनिया कभी आगे ही बढ़ने नहीं देती है। अगर दुनिया के पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। इसलिए दुनिया की ना परवाह करते हुए आज भोले बाबा स्त्री का श्रृंगार करते हैं। माता पार्वती ने बड़ा ही सुंदर स्त्री का श्रृंगार करवाया। स्त्री का श्रृंगार करके भोले बाबा की जो जटा थी बड़ी लंबी लंबी थी, उनका मुड़ीसा मारा। मुड़ीसा मारने के बाद में जब ऊपर से साड़ी का पल्लू डाला तो भोले बाबा बड़ी लंबी गोपी लग रही। बड़े लंबे थे ना भोले बाबा, इसलिए तो जाने लगे भोले बाबा। जब चलने लगे ठाकुर जी विचार करते हैं, ये गोपी बड़ी लंबी है, आज या गोपी को मुंह देखनो ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी जब थोड़ा तेज तेज चलने लगे तो भोले बाबा भी थोड़ा तेज चलने लगे। जो तांडव करता हो उसके अंदर कितनी फुर्ती होगी। तो भोले बाबा ठाकुर जी के हाथ में नहीं आए। कन्हैया समझ गए ये गोपी ऐसे हाथ में नहीं आएगी, या गोपी को अलग तरीका से लेना पड़ेगा। तो मेरे गोपाल ने मुरली का निनाद किया है। यहाँ कन्हैया ने जैसे ही मुरली के स्वरों को दबाया, मुरली के चरणों को दबाया है, मुरली से इतनी मीठी सुंदर आवाज निकली है कि मुरली की आवाज को सुनकर के भोले बाबा मचल गए। और जैसे ही भोले बाबा मचले तो ठुमका लगाया। अब जैसे ही भोले बाबा ने एक ठुमका लगाया तो साड़ी का पल्लू पीछे को सरक गया। जैसे ही साड़ी का पल्लू पीछे को सरका, मेरे गोपाल मुस्कुराने लगे। अरे बाबा, मैं तो आपको गोपी समझ रहा था, लेकिन आप तो गोपा निकले। कन्हैया मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा, क्या करूं प्रभु, मन नहीं माना था। नारद जी अद्र पानी में खड़े थे। बोले माते, मैंने ही आपको मांगा है। बोले आपको जो है राधा कुंड में गोवर्धन नाथ के दर्शन करें, आपको वहां स्नान करना पड़ेगा। बोले जब आप वहां स्नान करोगे तो रात तक क्लीन, कहते हैं राधा रानी को, रात तक क्लीन कृष्णाएं, तो वहां स्नान करने से राधा कुंड में, तब आप नारद से नारद ही हो जाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। सहा समझती है न दिया है न देकर के जाओगे, उम्र भर पलटते रहे और मरे तो आकर के बगल में लेटे। क्या देकर के जाना और क्या लेकर के जाना। एक बार मीराबाई किसी संत से मिलने के लिए वृंदावन गई थी। उस संत ने मना कर दिया, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूँ। मीरा बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। अरे मैंने तो समझा था इस संसार में केवल एक पुरुष है, आज मुझे वृंदावन में आने से पता चला है इस संसार में दो पुरुष भी रहते हैं। सार सार संसार है, आत्मा एक है, केवल सबको मिलाकर के मेरा एक गोविंद है, मेरा एक नारायण है। लेकिन जो कुछ समझ नहीं पाते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभार जब लोग ऐसी बातें करते हैं। कहते हैं कि एक स्त्री को कभी कथा कहने नहीं चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। भागवत किसने पढ़ी है? अगर जिसने भागवत को पढ़ रखा है वो कभी इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे ग्रंथ साफ कह रहे हैं। कथा वही कर सकता है जो मेरे प्रभु का वैष्णव है, भक्त है। और दूसरी बात आई स्त्री की बात। माँ लक्ष्मी ने 2 महीना हरि नारायण को कथा श्रवण कराई है। ऐसी बातों को वही लोग कह सकते हैं जिनमें अकल नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग ऐसी वार्तालाप करते हैं,
अरे सबको पता है क्या महाराज देकर के जाना क्या लेकर के जाना। उमर भाई उमर भर पलटते रहे आकर के जब मरे तो बगल में लेट गए। कोई इस संसार में साथ में नहीं जाता है केवल अकेले आए थे और अकेले ही चले जाते हैं। कसमे बादे प्यार बफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे बादे प्यार बफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे बादे प्यार बफा सब बातें हैं बातों का क्या। सबको पता है अगर आज मेरे साथ में हो रहा है तो कल इसके साथ में अवश्य होगा लेकिन फिर भी वो समझता नहीं। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा। सब कुछ सामने होगा आज इसके साथ में हो रहा है तो कल तेरे साथ में भी होगा तू बचने वाला नहीं है। होगा मसीहा सामने तेरे तू भी ना बच पाएगा। जो तुम्हारा अपना है खून है वो आपके साथ क्या करेगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तुझ में किसी दिन वो आग लगा देगा फिर क्या करेगा। आसमान में उड़ने वाली जो आसमान में उड़ते हैं आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमे बादे प्यार बफा सब बातें हैं बातों का क्या। सबको मालूम है सुख में हमें सब साथ देते हैं लेकिन जैसे ही दुख आता है सब छोड़कर के चले जाते हैं। सुख में साथ रहेंगे तेरे दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में सब साथ देते हैं सुख में साथ रहेंगे तेरे दुख में सब मुख मोड़ेंगे। जो तुम्हारे अपने हैं तुम जिसको बोलते हो कि हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। वही तुम्हारे दिल को तोड़ देते हैं और उन्होंने भगवान तक नहीं छोड़ा है भगवान को भी गाली देते हैं। देते हैं भगवान को धोखा देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमे बादे प्यार बफा सब बातें हैं बातों का क्या। इसलिए कभी बातों पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कह रहा है तो कहने दीजिए आगे बढ़ते चले जाओ। इधर यहाँ महाराज होता है दो दो गोपी बिच बिच माधव मेरे प्रभु सभी गोपियों के साथ में रास करते हैं। भगवान के रास को देखकर के पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सब नाच रहे सब धूम मचा रहे। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गन मन मेरा हो गया सखीरी पावन वृंदावन। जे चंदा नाचे नाचे गोपी जन मन मेरा बन गया
गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्या बोलना पड़ेगा बोलिए मारा जाए। कंस बेदी पर बेदी बनाने के लिए तुला हुआ है, चुन चुन कर राक्षस भेजता है मेरे गोपाल को मारने के लिए, लेकिन मेरे गोविंद सबका उद्धार कर देते हैं। कंस ने शक्रासुर वत्सासुर अघासुर को भेजा, मेरे गोविंद ने सभी का उद्धार कर दिया था। नारद जी विचार करते हैं भगवान अपनी लीला में व्यस्त हैं, कब मारोगे इस दुष्ट कंस को। आज नारद जी कंस के पास पधारते हैं। कंस ने नारद जी को देखा, कहा आइए बैठिए पधारिए भगवान। नारद जी ने कहा क्या पधारे, एक बात बताइए कब मारोगे कृष्ण बलराम को। ग्यारहवीं वर्ष में प्रवेश कर गया है कृष्ण। कंस ने कहा क्या करूं महाराज, चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है खुद मर कर के आ गए, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों कृष्ण को मरा देखना चाहता, और हाँ तुमको धनुष यज्ञ का मेला रचना है, उस मेले में सभी को आमंत्रित करना है, कृष्ण बलराम को भी बुलाना है। कृष्ण बलराम यहाँ धनुष की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से मार देना। तब कंस ने कहा महाराज अगर आपका आशीर्वाद है तो ऐसा भी हो जाएगा। नारद जी ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, परसों कृष्ण बलराम को मरा देखना चाहता। इतना कहकर के नारद जी चले गए। श्री कृष्ण और बलराम जी गौ चरा कर के लौट रहे थे। नारद जी ने साष्टांग लेटकर के प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम करता हूँ, आप अपनी लीला करने में व्यस्त हैं, दुष्ट कंस को कब मारोगे। तब भगवान ने कहा मैं कौन होता हूँ मारने वाला, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल मिलता है। नारद जी ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, परसों कंस को मरा देखना चाहता। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे वाह, यहाँ तो उसके मरने की और वहां मेरे मरने की दोनों को डेट एक दे दी है। नारद जी इतना कहकर के चले गए। आज भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास बैठे हैं। इधर कंस अक्रूर जी को बुलाता है और अक्रूर जी से कहता है नंद कि कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। गच्छम नंद व्रजम तत्र सुतावान कूदूं मैं,
आसाते तावी हनन रथे नान्यमाचिरम। मथुरा जान वृंदावन जाना है, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा, क्या करोगे कृष्ण बलराम को बुला करके, ऐसा कौन सा काम करवाना है? बोले, आपको पता नहीं है, आज से 30-32 वर्ष पहले आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टमा गर्भ निराकार होगा, और देवकी का अष्टमा गर्भ ही कृष्ण बलराम है। जाइए उनको लेकर के आइए वृंदावन से, यहाँ धनुष की शोभा देखने में लगे रहेंगे और मैं उसे धोखे से मार डालूंगा। आज अक्रूर जी के आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अक्रूर जी रात्रि भर समझाते हैं कंस के, कोई बात समझ नहीं आती है। कंस ने कहा, एक बात बताइए, आपको कार्य करना है कि नहीं? नहीं करना तो मुझे बताइए। अक्रूर जी जानते थे, अगर मैं नहीं गया तो ये दुष्ट है, मुझे मार डालेगा। इसलिए अक्रूर जी आज प्रातः रथ वृंदावन की तरफ कर देते हैं। दोनों आंखों में आंसू बस भरा है अक्रूर जी। सुबह के प्रातः 4 बजे के चलते हैं, सांझ हो गई। अगर देखा जाए मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, दिन भर में 3-4 बार आप आ सकते हैं। लेकिन आज अक्रूर जी के दोनों आंखों में आंसू भरे। कृष्ण बलराम गऊ चरा करके लौट रहे थे। जब कृष्ण बलराम गऊ चरा करके लौट रहे थे, अक्रूर जी को देखा तो कृष्ण ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, काका जी मैं प्रणाम करता हूँ। बताइए काका जी कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी ने कहा, क्या बताऊं, कंस ने तुमको मारने के लिए बुलाया है। कहता है कंस, धनुष यज्ञ की मेला देखने में लगे रहेंगे और धोखे से मार डालेंगे हम। कृष्ण ने कहा, ये बात हमसे तो कह दी है, लेकिन हमारे मैया यशोदा और नंद बाबा से मत कहना। मेरे बाबा से मत कहना, मेरी मैया मुझे बहुत प्रेम करती है, वो आपके साथ कभी नहीं बेच सकती है। ठीक है, आज कृष्ण बलराम अक्रूर को लेकर के अपने घर जाते हैं। जैसे ही अपने घर लेकर के गए, नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया, नंद रानी ने बहुत स्वागत किया, आइए भोजन इत्यादि कराया। भोजन इत्यादि कराने के बाद में नंद बाबा ने पूछा, बताइए कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? तब कहा, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही सुना मैया यशोदा ने, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मैया यशोदा अपने मुख में भोजन डालने वाली थी, जैसे ही सुना कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, तुरंत वो भोजन वापस थाली में चली गई। मैया रोकर के कहने लगी, अरे अक्रूर, अगर तुम्हें मेरे प्राणों की जरूरत पड़े तो मैं हंसते हंसते दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम मेरे आंखों की तारे हैं, मैं अपने आप से उनको दूर नहीं कर सकती। जो तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कृष्ण बलराम ने कहा, रे मैया, तू हमें कहीं जाने नहीं देती है, हम तो जाएंगे। लाला, तेने ये बात कैसे सोच ली कि तू अपनी बूढ़ी मैया को छोड़कर के जाएगा? लाला, तेरी बूढ़ी मैया तेरे बगैर नहीं रह सकती है। नंद बाबा नंद रानी को समझाने लगे, अरे नंद रानी, तू चिंता क्यों करती है? चिंता मत करे, कृष्ण बलराम के साथ मैं भी जाऊंगा और इन्हें मेला दिखा करके वापस लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन नंद रानी आज रोती रह जाती है। इधर नंद बाबा ने रात्रि में सभी को कह दिया, अगर किसी को मथुरा चलना है मेला देखने के लिए तो सुबह तैयार हो जाए। अब जैसे ही गोपियों को पता चला कि हमारे प्रियतम सुबह मथुरा जाने वाले हैं, तो लाखों गोपियां आकर के मैया यशोदा के द्वार पर खड़ी हो गई। दोनों आंखों में आंसू भरे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, अरे कौन लेने के लिए आया है हमारे प्रियतम को? एक गोपी कहती है, अरे तुम्हें पता नहीं, अक्रूर लेने के लिए आया है। क्या अक्रूर? इसका नाम अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए था। हमारे कृष्ण बलराम आंखों के तारे हैं, अगर वो हमसे दूर चले जाएंगे तब हम उनके बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? हम उनके बिना नहीं रह सकते।
सभी गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं। इधर नंद बाबा प्रातः 4 बजे होते ही मथुरा नगरी में सभी सखाओं को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन आज मैया यशोदा कन्हैया से कहती है, लाला तू अपनी मैया को छोड़कर के जा रहा है। लाला तेने ये कैसे सोच लिया कि तू मुझे छोड़कर के चले जाएगा। कन्हैया बोले, देख मैया तू चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैया तू मुझसे जितना प्रेम करती है उतना ही मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैया अगर तू मेरे बिना नहीं रह सकती है तो भला मैं तेरे बिना कैसे रह सकता हूँ। ठाकुर जी सुबह होते ही रथ में बैठ कर के जाने लगे। जैसे ही रथ में बैठ कर के जाने लगी गोपियों को देखा, जैसे ही गोपियों ने देखा हमारे प्रियतम जा रहे हैं, हमारे प्राण बलम श्री कृष्ण जा रहे हैं। लोग गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं, जाकर के रथ के सामने लेट गईं। अरे प्रियतम आपने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं रह पाएंगे, आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे, और आपने ये कैसे सोच लिया कि हमको छोड़ करके चले जाओगे। गोविंद रथ से उतर के कहा, अरे गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं देवताओं की उम्र पाकर के मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ तुम्हें। गोपियां कहती है, नहीं प्रियतम आज चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी आंखों के सामने से तुम्हें दूर नहीं मिलने देंगे। तुम्हें पता नहीं गोपी हम आपसे कितना प्रेम करती हैं। ठाकुर जी गोपियों को समझाते हैं। जब ठाकुर जी गोपियों को समझा करके रथ में बैठ करके जाने लगे, मैया यशोदा ने बहुत दूर से आवाज लगाई, लाला अरे कन्हैया तू ना सुनो, आज जैसे ही मेरे गोपाल ने मैया के रुदन को सुना मेरे ठाकुर जी रथ से कूद गए। मैया यशोदा के हृदय से लगे और मैया यशोदा के हृदय की लाला तू सोच रहा होगा कि मेरी मैया मुझे एक छड़ी से मारती थी। मेरी मैया मुझे माखन खाने नहीं देती थी। लाला ये बात तू सोच रहे हो। कन्हैया ने कहा, मैया तू कैसी बात करती है। लाला मुख को याद है तेरी मैया तुझे उखल से बांध देती थी, तेरी मैया तुझे माखन खाने के लिए नहीं देती थी। तू याद कर रो है इन बातों को। कन्हैया ने कहा, रे मैया ऐसी कोई बात नहीं है। मैया मुझको याद है तू मुझसे कितना प्रेम करती है, मैं तेरे प्रेम को कैसे भला भूल पा सकता हूँ, मैं नहीं भूल सकता। कन्हैया फिर रथ में बैठ कर के जाने लगे। लाखों गोपियां राधा रानी के पास जाती हैं, दौड़ी दौड़ी, अरे राधा रानी तुम्हें नहीं पता आज हमारा प्रियतम जा रहा है हमें छोड़कर। भला हम उसके बगैर कैसे जी सकते। राधा रानी ने कहा, गोपियों मुझे पता चल गया है कि आज उनको लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, आज मेरा प्रियतम मुझे छोड़कर के चले जाएगा। राधा रानी से गोपी कहती है, अरे राधा ठाकुर को जरा रोको तो सही, शायद आपकी बात मान जाए। लेकिन राधा रानी कहती, नहीं गोपी अगर आज वो जा रहा है तो मुझसे मिलकर के जाएगा, मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरे ठाकुर जी राधा रानी के पास आए। राधा रानी ने कहा, प्रियतम मुझे पता है आप मुझे छोड़कर के जा रहे हैं,
कैसे भुला सकते हो ब्रजवासी के प्रेम को। ठाकुर जी ने कहा, अरे राधा रानी, अगर मैं नहीं गया तो मेरी आगे की लीला भला कैसे पूरी हो सकती है। आज मुझे जाना पड़ेगा, तू तो जानती है मुझे अभी आगे की लीला करनी है। राधा रानी को श्री कृष्ण वो मुरली देते हैं। अरे राधे, आज तक मैंने इस मुरली का निनाद किया है तो मेरे पास तू दौड़ी चली आ गई। आज मैं वादा करता हूँ, जब भी तू इस मुरली का निनाद करेगी तो मैं तेरे पास दौड़ा चला हूँ। अरे गोपियों, तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी, मेरी प्रियतम, हमको तो ऐसे लग रहा है कि परसों में ही बरसों बीत जाएंगे। मैया यशोदा कहती है, लाला, आज तेरे अपनी बूढ़ी मैया से वादा किया है कि तू परसों लौट करके आ जाएगा। लेकिन बूढ़ी माँ कहती है, लाला, बरसों में ही कहीं परसों में ही कहीं बरसों न बीत जाए। सब गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज पहली बार प्रियतम हमको छोड़कर के जा रहा है और उसे रो रो करके विदा कर रही है। अरे शर्म करो थोड़ा, आज पहली बार हमारा प्राण बल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़कर के जा रहा है, रो रो करके विदा मत करो। कोई बात नहीं, अगर आज चले जाए तो परसों लौट करके आ जाएंगे, मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, अगर नहीं आए तो हम भी लौट लेने के लिए चले जाएंगे। सब गोपियां कन्हैया को इस वादा पर हंस करके विदा करती है कि प्रियतम हमारे परसों लौट जाएंगे और मेरे ठाकुर विदाई लेते हैं। प्यारी भक्तों, आज गोविंद ब्रज से जा रहे हैं और सभी ब्रजवासी और गोपियों से कह रहे हैं, हे ब्रजवासियों, मेरी माँ को समझा देना, मुझे ज्यादा याद ना करे, ना करे मैया, याद ना करे, ओ याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे। हरे कृष्ण लेते हैं, हो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मोहे याद ना करे, लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मोहे याद ना करे, लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मोहे याद ना करे।
आई कवरिया जाना है हमें को मथुरा नगरिया जाना है हमें को मथुरा नगरिया जाने दे हो मुझे जाने दे मेरी मैया की मैया मुझे याद ना करे लेते हैं रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे हो याद ना करे मैया याद ना करे याद ना करे मैया याद ना करे कृष्ण कहते हैं रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे कृष्ण कहते हैं रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे याद ना करे
मुहे याद ना करे। एक ही विश्वास से आज मेरी ठाकुर को विदा कर देती हूँ। आज लाखों लोकिया गोपियां रोती रह गई प्रियतम की याद में। मैया यशोदा दर्द खड़ी खड़ी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। आज मेरा लाला मुझे छोड़कर के चले गए। मुझे पता है ये परसों की कहकर के गया है, इसका मतलब बरसों बीत जाएंगे। गोपियां टक टक ही लगा करके देखती हैं, शायद हमारा प्रियतम वापस लौट कर के आ जाए, शायद हमारा प्रियतम हमें छोड़कर के नहीं जाएगा। जब तलक रथ की ध्वजा चमकती है, रथ को देखती रहती है, निहारती रहती है। रथ से उड़ने वाली धूल गोपियों देख रही है, शायद हमारा प्रियतम वापस लौट कर के आ जाए। आज गोपियां ठाकुर की याद में रोती रह गई। राधा रानी आज निहारती रह गई ठाकुर को। मेरे गोविंद रथ में बैठकर के चल देते हैं, अक्रूर जी का भय दूर कराते हैं। अक्रूर जी जब स्नान करते हैं यमुना जी में, अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई यमुना में, देखा